फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी हड्डियों को मेंटेन रखने के लिए कौन से विटामिन मिनरल या सप्लीमेंट या डाइट ले सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपको हड्डियों की प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो विटामिंस हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन D3। विटामिन D3 आपको सूरज से मिलता है या आप उसका सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं अगर आप सन एक्सपोजर कम करते हैं। विटामिन D3 जो होता है वो आपकी बॉडी में से कैल्शियम को ब्लड में लेकर आता है और उसके बाद आपने विटामिन K2 लेना होता है जो आपके जो ब्लड में जो कैल्शियम आ गया है उसको वो प्रॉपर हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है विटामिन D3 और विटामिन K2। और जो कैल्शियम इनटेक आपने करना है वो आपने कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लेना, उसकी जगह कैल्शियम एस्पार्टेट एनहाइड्रस करके एक आता है कैल्शियम, वो बहुत हाई क्वालिटी का कैल्शियम होता है, वो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। इसके साथ आपने लेना है विटामिन C। विटामिन सी आपको सारे ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाएगा और जितनी भी आपके सिट्रस फ्रूट आ गए उसमें आपको विटामिन C मिल जाता है। फिर लेना है आपने कोलेजन। कोलेजन जो होता है वो ऑलमोस्ट 1/3 आपकी हड्डियां जो होती हैं वो कोलेजन की बनी होती है। कोलेजन एक तरीके से गम होता है, ग्लू होता है जो हर चीज़ को पकड़ के रखता है, तो उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर कोलेजन कम हो जाए तो आपकी बॉडी में रिंकल्स आ जाते हैं, आपकी एज बढ़ जाती है, आप ओल्ड दिखना शुरू कर जाते हो। और उसके साथ आपने लेना है ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स होते हैं जैसे मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इस तरह के ट्रेस मिनरल अगर आपने लेने हैं तो वो आपको मिलेंगे हिमालयन पिंक साल्ट में। हिमालयन पिंक साल्ट में ऑलमोस्ट 83 डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलर चाहिए होते हैं। जो हम नॉर्मल टेबल साल्ट लेते हैं उसमें सिर्फ 3 मिनरल्स होते हैं और हिमालयन पिंक साल्ट में 84 मिनरल्स होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ आप एक सप्लीमेंट ले सकते हैं बोरोन का। बोरोन जो होता है वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, उसको मतलब कि बहुत जल्दी अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है, कोई नी पेन होता है, कहीं पेन होता है, वो भी उसको हील अप कर देता है बहुत जल्दी। तो ये कुछ विटामिन मिनरल्स थे जिसके बारे में बताना चाहता था मैं, जो आपकी हड्डियों को मेंटेन रखेंगे ओल्ड एज में भी। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।